हाँ बाला जीजू, जीजू मैं इशिता, वो रमन है ना आपके साथ? रमन नहीं तो? अच्छा, ऑफिस में सेक्रेटरी ने बोला था कि वो आपके साथ है। क्या है ना कि वो मैं फोन कर रही थी उन्हें, तो फोन पहले वो उठा नहीं रहे थे और अभी स्विच ऑफ जा रहा है। अरे इशू तो किसी मीटिंग में होगा, वो जैसे उसकी मीटिंग खत्म होगी ही विल कॉल यू बैक। ओके ओके जीजू बाय। तो मेरे घर में मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकता। बैंगलोर वापस चली जाओ किरण, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ किसके लिए आई हो। जब तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो तुम ये भी जानते हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, और तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। किरण मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि रमन अंदर है, मैं यहाँ कोई तमाशा क्रिएट करने के लिए नहीं आया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा ना करो। कहाँ है रमन? वो अंदर सो रहा है। सो रहा है यहाँ? रमन काम करते करते अचानक से यहाँ पे सो गए तो मैं क्या करूँ? रमन, रमन, are you okay? माला सुबह सुबह क्या कर रहा तू? किरण तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में सुबह सुबह? यार रमन ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा अपार्टमेंट है। Oh God, यार, मैं यार। वो हम काम कर रहे थे और तुम काम करते करते गहरी नींद में सो गए। यार मैंने वो एंटी एलर्जी टैबलेट ली थी ना, तो उसने कहा था इससे नींद आती है। I'm so sorry, तू यहाँ क्या कर रहा है लेकिन सुबह सुबह? अरे यार मैं इस बिल्डिंग में काम से आया था, मैंने तेरी गाड़ी नीचे लगी हुई देखी तो मैं यहाँ आ गया पूछते पूछते। इशू तुझे कब से ढूंढ रही है, उसे लगा तुम मेरे साथ हो इसीलिए उसने मुझे फोन कॉल कर लेती ना मुझे बाला। कहाँ से कॉल करती यार, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ रहता है हमेशा। पता नहीं शायद बैटरी डेड होगी यार, बहुत परेशान होगी वो, मैं क्या करूं मैं। अबे तुम जल्दी घर चलो, आदि और आलिया को स्टिक ऑफ करना, हनीमून पर जा रहे हैं। दो मिनट फ्रेश हो जाता हूँ, वैसे वॉशरूम। अच्छा ये हमारे ऑफिस की चीजें हैं, मैं ठीक करती हूँ। Maintain your distance from Raman, okay? कॉफी पियोगे? यार मेरी लाइफ में पहले ही इतनी टेंशन है, तुम्हें कॉफी की पड़ी है? और याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया। अरे क्या, कौन किसे क्या बता रहा है भाई? रमन कुछ नहीं, वो मैं बाला कह रहे थे कि फिर कभी आएंगे कॉफी पीने के लिए। या चलो भाई जाना नहीं है। या 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 आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, मैं पता नहीं कैसे सो गया। आई विल सी यू। ऑल सेट? यस ऑल सेट। पापा गए? पापा का फोन नहीं लग रहा था, पर तुम लोग निकलो ना एयरपोर्ट से, फोन करना उनको, ठीक है? हाँ, मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप करके आती हूँ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया यार थोड़ा। अरे पापा कहाँ पे थे यार आप? अरे वो काम में था, बिजी था थोड़ा। और तो ना मुंबई जा रहा है तो ये बोरिंग लाइफ छोड़ देना, मौसम अच्छा है, अलग घुमा देना थोड़ा सा। अरे पापा आप पे गया हूँ मैं, शक मत करूंगा, बहुत रोमांटिक हूँ, बहुत मस्ती करने वाले हम लोग। अरे कैसे? अच्छी हूँ। मामा अप्पा क्यों नहीं आए? वो एक्चुअली ऑफिस में बिजी है, पर आलिया तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने तुम्हारे और आदि के लिए मुंबई के बेस्ट होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू मामा। तो वो तो अम्मा ने आलिया ये तो बेस्ट हो गया ना,
दरअसल इस प्रेसिडेंशियल स्वीट के हमको तो कभी बुकिंग मिलती ही नहीं, और हमने जो बुक किया था वो वैसे ही बड़ा बोरिंग टाइप था, तुम दोनों को नहीं अच्छा लगता, तुम लोग यहीं पे जाके स्टे करो। Enjoy yourself, हाँ? आपको याद है ना मामा के साथ फ्रेंडशिप करनी सब हो जाएगा, तुम रिलैक्स करो, चलो अभी तुम। हेलो, व्हाट इज दिस? मतलब बुकिंग सिर्फ बुकिंग कराने के लिए कराई है या फ्लाइट पकड़ने का भी इरादा है? अरे आदि भैया आ ले, तुम दोनों के साथ तो मैं भी चलने वाली। अरे मतलब मुंबई तक नहीं, एयरपोर्ट तक आते तो मजा करते। मैं और मीकू जाकर छोड़कर आते रमन इन लोगों को एयरपोर्ट, तुम घर पे रुको आराम करो। चलो चलो चलो। Enjoy yourself. आपके अभी तक एलर्जी गई नहीं? आपने दवाई ली एलर्जी वाली? दवाई का नाम मत देना प्लीज। हाँ भाई, लोग तो दूसरों के घरों में बातें करते करते ही सो जाते हैं। अरे नहीं यार, वो एंटी एलर्जी की टैबलेट ली थी ना, उसकी वजह से। अरे श्वेता ने बताया था कि उससे ड्राउजीनेस हो गई और मैं पता नहीं चला कब आग लग गई और फोन ऑफ हो गया। बहाने। लेकिन सुना, किरण इज सो ग्रेट यार। उसने इतने अच्छे से ध्यान रखा। कमाल की औरत है ना। अकेली है लेकिन पूरा बिजनेस संभालती है, नए शहर में घर खरीद लिया, उसे डेकोरेट कर लिया। शी इज मल्टी टैलेंटेड यार। दुनिया की हर औरत की तरह जो बाहर का काम संभालती है, घर का काम संभालती है, सब कुछ हैंडल कर लेती हैं अच्छे से, लेकिन वो स्पेशल थोड़ी ना होती हैं किरण की तरह। जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगी? लेकिन लोग भूल जाते हैं ना कि उनके घर में भी एक डॉक्टर रहती है जो बाहर का काम संभालती है, घर अच्छे से हैंडल करती है, बच्चों को संभालती है, इंक्लूडिंग यू। लेकिन वो यादगार थोड़ी ना रहेगा। अरे सुना क्या है, जब जलती है आज भी बड़ी सेक्सी लगती है। कुछ भी छोड़ो अभी मुझे। अरे यार तू क्यों झगड़े कर रही है यार, ये रोमांस का टाइम है। अच्छा चल सॉरी, बस तुझसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं, सीरियसली। अरे क्या हो बेटा, सोए नहीं आप? कुछ नहीं पापा, मुझे आपके साथ सुना था। मैंने क्या पाप किया है? What? नहीं क्या हुआ बेटा अचानक? क्योंकि मैंने आपको और इशिमा को बहुत मिस किया था समर कैंप में, इसलिए मैं आप दोनों के साथ सोना चाहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आजा आजा, आज पापा की प्रिंसेस पापा के साथ सोएगी। इशिमा आप भी आओ ना, मुझे आप दोनों का हाथ पकड़ के सोना। चलो कैंप में क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीहू अकेले में डर के नहीं सो रही है? मुझे रूही से बात करनी होगी और कल इसके स्कूल जाके पता करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Not bad. पता है अभी तुम्हारे फेस पे जो टेंशन फ्री स्माइल है ना, बहुत दिनों बाद देख रहे हो। And I think अम्मा ने ना बहुत अच्छा किया हमें यहाँ भेज दिया। I feel like यहाँ से वापस जाए ना, इसी रूम में रहे। Correct. काम करते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। हाँ। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। इसको भी अभी बजना था यार। मेरा फोन ना तो पीछे नहीं छोड़ेगा। ऑफिस से मैं 2 मिनट बस। हेलो जी मिस्टर तनीर जी, नहीं नहीं मैं आज ही मुंबई के ऑफिस में काम शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं डोंट वरी, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। हाँ जी हाँ। अच्छा हाँ हाँ मिस्टर तनीजा, बिल्कुल करेक्ट। अब जब लॉन्च इतना अच्छा हुआ है तो ये तो एक्सपेक्टेड था। ब्रांड टीम जी, उनसे मैं बात कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके अब ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन तुम बहुत सारी शॉपिंग करना पीछे से, ठीक है? मैं ऑफिस से मिसेज मेहर है उनको भेज दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम्हारे साथ रहेंगी। अच्छा हाँ कैसे? अच्छा आती? हाँ हाँ बोलो। तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पटाना है, राइट? Yes. अच्छा मेरी बात सुनो, शाम को पब चलें? पक्का पक्का।
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया उसकी परफॉर्मेंस को। पहले तो वो बहुत एक्साइटेड थी स्कूल आने के लिए और फिर अचानक वो अब स्कूल जाना नहीं चाहती है। उसने रूही को बताया ये? सर कोई ना कोई तो बात है, कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो ना पीहू ऐसे इतना वियर्डली बिहेव नहीं करती है, यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैम ऐसी कोई बात हो रही है क्या क्लास में जिससे उसे कोई परेशानी हो रही है? उसने डांटा क्या उसे या कोई उसे तंग कर रहा है? कुछ भी ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब भी मैंने आपकी मॉम को कॉल करके पूछा कि कहीं घर में तो परेशानी तो नहीं है। नहीं नहीं घर में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि घर में तो खुशी रहती है। इनफैक्ट कहीं कोई परेशानी भी हो तो हम उसको दूर रखते हैं। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं कुछ दिनों किसी बहाने स्कूल आ सकती हूँ ताकि यू नो मैं पीहू पे नजर रख सकूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ तो बात है एंड जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो स्कूल से ही हो रही है। आई मीन यू नो समथिंग इज रॉन्ग हियर, जो उसे हैम्पर कर रहा है, जो उसे परेशान कर रहा है। स्कूल कैसे आओगी? लेकिन स्कूल दिखा देता हूँ और बच्चों से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं जाती हूँ, कोई भी बात हो तो मुझे फोन करके बताना, ठीक है? ओके अश्विन, देखना पीहू को, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। पीहू इधर आओ और ये सेम पेंटिंग ड्रॉ करो। और मैं ट्रिप कर गई, पर आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा आप ठीक हो ना? Yes, I'm fine. ये आपकी न्यू म्यूजिक टीचर हैं। बच्चों, ये रूही दीदी हैं, हमारे स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन के लिए आप लोगों को ट्रेन करने आई हैं। लेट्स वेलकम हर। हाँ पीपीटी देखा मैंने, नहीं कुछ चेंजेस चाहिए मुझे। देखो लॉन्च करीब आ रहा है एंड वी कांट टेक एनी चांसेस, पार्टी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। हाँ ठीक। क्या है? गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। क्या बात है, ओहो हो, पहले चाय फिर ये मसाज। नाइस। चलो मुद्दे पे हो, क्या चाहिए? हाय मुझे कुछ चाहिए होता है तो ही मैं आपका ख्याल रखती हूँ। क्या हाँ। मैं वैसे भी तो कितना ख्याल रखती हूँ, आपके कमरे का, आपके कपड़ों का, आपकी सेहत का, आपके डाइट का, आपकी एलर्जीज का, मम्मी जी का, पापा जी का। इधर आ, बोल बात क्या है, कम है, सिट डाउन। बता बात क्या? कुछ नहीं, एक आइडिया था फैबुलस सा आपके लॉन्च को लेके। बता। यू नो व्हाट, आप एक तो हेल्थ ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं विच इज लाइक रियली स्पेशल, जब इतना अच्छा नोबल पर्पस है तो यू नो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग सोशल वर्क वाला कोई काम करें, लाइक किसी एनजीओ को हम लोग फेलिसिटेट कर सकते हैं, है ना? हम एनजीओ को फेलिसिटेट करके उनको थोड़ा सा यू नो इम्पोर्टेंस देंगे अगर, तो आपके प्रोडक्ट को भी तो कितनी इम्पोर्टेंस मिलेगी ना, ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। यू नो नोबल कॉज है एंड साथ ही साथ आपका काम भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, रिकॉग्नाइज होगा, अप्रिसिएशन मिलेगा सब लोगों से। हटके है, इंटरेस्टिंग है, पर कोई है जान पहचान का कोई एनजीओ क्या है? हाँ वो है ना, अपनी शगुन। शगुन को फेलिसिटेट नहीं करूंगा मैं, सॉरी। श्रवण, जो औरत मेरे और मेरे बेटे के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है, जिसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, उसे मैं अपने लॉन्च पे बुलाऊं? हरगिज नहीं, सॉरी। आप समझ नहीं रहे हो, मैं देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शगुन सच में अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मैं देखो आपको लगता है कि मैं वो जगत माता टाइप्स हूँ, ऐसा नहीं है। जस्ट लिसन टू मी, मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि शगुन का एनजीओ जो है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहा है फिलहाल, विच इज़ रियली नाइस। और हमें तो पता ही नहीं था, उन्हें लगा कि मैं समझा लूँ, मुझे सब आइडिया होगा इस बारे में। हमें नहीं पता था ऐसा क्या मतलब है कि वो कभी पब्लिसाइज नहीं करती इन चीज़ों को,
अब जब कोई अच्छा काम करे और पब्लिसाइज नहीं करे तो कितनी बड़ी बात होती है। कहाँ से करेगी? तो उसे झगड़े लगाने से फुर्सत मिलेगी तो पब्लिसाइज करेगी ना। लेकिन रमन मुझे लगता है कोई अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें आपका भी फायदा ही है। वी शुड डू इट। मैं नहीं करूंगा। शगुन मेरा लॉन्च खराब नहीं करेगी। वो नहीं करेगी आपका लॉन्च खराब। सुनो ना, मैंने आर्या से भी प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, उन दोनों के बीच भी, हमारे बीच भी। प्रॉमिस तूने किया है ना? मैंने नहीं किया, तो तू ठीक करना, मैं नहीं करने वाला कुछ, बस मान जाओ ना। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। अरे आप बोलो, मैं शोले की बसंती बन जाऊंगी आपके लिए, आप बस मान जाओ ना। पक्का? यूकी एक बार हाँ तो कहो, बसंती गब्बर के सामने भी नाचेगी। Yes. चल ठीक है, मान गया मैं। थैंक यू। नहीं, काम नहीं चलेगा, मेरी बारी। नहीं नहीं, अभी मेरी बारी है ये सोचने की कि मैं अब शगुन को कैसे मनाऊंगी। तो मतलब शगुन मानेगी तो? नहीं नहीं, वो तो कितनी बड़ी बात है रमन, आपके प्रोडक्ट के लिए। मैं बात करती हूँ। आती हूँ मैं। ये पहली बसंती यार गब्बर को चूना लगा रही है। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। वैसे आलिया, हमने शॉपिंग तो कर ली है, लेकिन रात के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लिया है या नहीं लिया? बोलिए फिर। यार लेना तो चाहिए, बोलो ना। Look at you. चलो ना, चलो चलते हैं। होटल में वापस। छोड़ो ना पापा को, तुम पागल हो गए हो। अरे चलो चलो चलो, प्लीज। अरे नहीं आदी। अरे चलो यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम मुझसे चिपक रही थी। वैसे भी तुम जैसे लड़कियों को मैं देखता भी नहीं, इतना बुरा स्टैंडर्ड नहीं है मेरा। हाउ डेयर यू। सोचना भी मत, इस पागल लड़की को लेके जाओ यहाँ से। मैम ये दूसरी बार है जब आपने यहाँ पे इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया। बाउंसर्स, चलिए मैम, चलिए आइए। सर आई एम रियली सॉरी। जस्ट टेक हर आउट। व्हाट नॉनसेंस है, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आदि आई थिंक इट्स नॉट द राइट प्लेस, हम कहीं और चलते हैं। चलो। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मैं हूं ना यार तुम्हारे साथ। अब हम आए हैं तो यहीं पर ही एंजॉय करें। चलो डांस करते हैं। चलो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।